नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। जी हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए बात करेंगे। मिथुन राशि का 2022 में फलादेश कैसे क्या रहेगा, व्यापारिक गृहस्थ जीवन, नौकरी या उनके जो भी प्रश्न है उसके अनुसार इस साल आपके करियर के क्षेत्र में कई अवसर मिल सकते हैं। यानी कि अगर आप नौकरी की फिराक में बैठे हैं, नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो नौकरी के योग 2022 में आपके अवसर मिलेंगे। व्यापार के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो व्यापार में आपको अच्छा समय आने वाला है। अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। पहले खुद पर ध्यान दें और अपने कार्य पर फोकस करें, उस पर लगन से, मेहनत से, नियत से, उस व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े रहिए। यदि मिथुन राशि के जातक किसी नई व्यवसायिक परियोजना को लेने की योजना बना रहे हैं, यानी कि कोई अलग व्यापार या कोई अलग से कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, या और बढ़ावा अपने जिस लाइन में आप कार्य करते हैं उसको और बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो आपके प्रियोजनों का, आपका यानी कि प्रियजन और पारिवारिक जन, इनकी आपको सपोर्ट चाहिए होगी, इनकी सलाह चाहिए होगी, तभी जाकर आप उस कार्य में तरक्की हासिल कर सकते हैं। यह वर्ष पारिवारिक जीवन के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। घर की आवश्यकता के अनुसार आप खरीदारी करते दिखाई देंगे, यानी कि घर के कार्यों के लिए भी आप हाथ बटाएंगे, जिसके घर वालों के बीच आपका मान सम्मान वृद्धि होगा और परिवार में खुशहाली का समय, यानी कि कोई प्रोग्राम बन सकता है, किसी को संतान प्राप्त हो सकती है परिवार में। जरूरी नहीं कि आपको, आपके भाई को या परिवार मेंबर में किसी को भी, यानी कि घर में खुशी का माहौल बनेगा। कोई जागरण, कीर्तन, भंडारा, कोई विवाह, कोई शादी या कोई फंक्शन घर में बनेगा। बहुत अच्छा वर्ष है। सेहत के मामले में थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना होगा, पेट की गड़बड़ सता सकती है। अप्रैल महीने के तक आपको बेहद सतर्क रहने की सलाह दी जाती है हमारे तरफ से। खान पान का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य में गड़बड़ होने की संभावना तो है ही, साथ में कोई चोट फेट का भय भी बना रहेगा। अगर आप अंदर बाहर जाते हैं, गाड़ी बाइक आदि का विशेष ध्यान रखें, सावधानीपूर्वक चलाएं, सतर्क रहें। स्वास्थ्य का भी, खान पान का, बाहरी वस्तुओं का परित्याग करें, जंक फूड से दूर रहें, खाने का विशेष ध्यान रखें, स्वास्थ्य को थोड़ा चिंताजनक है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, यानी कि जो आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई हुई है 5-10 साल से, 2 साल से, 1 साल से, जैसे भी आपकी परिस्थिति चल रही है, उससे उभरेंगे, उससे और ज़्यादा आपको तरक्की होगी, मनचाहे रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर में ग्रहों की स्थिति आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस समय में अच्छा धन प्राप्त होगा, यानी कि आप जो कार्य करते हैं उससे आपको और मुनाफा होगा। धन की कमी जो आपको सता रही थी, अगर आप कोई साधन या कोई कार्य में कोई कुछ खरीदना चाहते थे, कुछ बनाना चाहते थे, पैसे की तंगी के कारण जो बार बार अड़ रही थी बात, वो आपकी अब चल निकलेगी, यानी कि अड़चन दूर हो जाएगी। अगर आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं, तो अंक प्राप्त होंगे उच्च, यानी कि बहुत ही अच्छे। शिक्षा ग्रहण कर छात्रों के लिए भी अप्रैल के बाद का समय विशेष अच्छा रहेगा। पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। इस दौरान हर विषय को समझने में आपको मदद मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा और उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों को प्रतिष्ठित कॉलेजों में या संस्थानों में नौकरी मिलने की संभावना है या दाखिला एडमिशन मिलने की संभावना है। साथ ही इस राशि के प्रतियोगी परीक्षकों की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्रों को अप्रैल के दूसरे सप्ताह के बाद सफलता मिल सकती है। ये भी बहुत अच्छा फलादेश है इनका। और विवाह के बारे में अन्य और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके बारे में अगली वीडियो में विस्तार से बताएंगे। कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको हम रिप्लाई करेंगे।
और वीडियो के माध्यम से भी अगली वीडियो में आपके प्रश्न का जो है उत्तर देने की कोशिश करेंगे, बल्कि जरूर देंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान आप पे कृपा करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, और भगवान आप पे कृपा बनाए रखें, आपके परिवार पर। सुख मंगल में रहो। जय माता दी।